नाम है इनका सुप्रिया पाठक कपूर। जन्म 7 जनवरी सन 1961 में हुआ। बचपन से ही थिएटर का माहौल देखा सुप्रिया पाठक ने अपने घर में। इनकी माँ एक गुजराती थिएटर आर्टिस्ट रही, नाम दीना पाठक, जिन्होंने आगे जाकर फिल्मों में भी खूब मकबूलियत हासिल की। हाँ, કે ભાઈ શાંતિ રાખો શાંતિ રાખો, પણ મારી વાત કોઈ સાંભળે તો ને? અને આ ગૌરી તો સાવ નકામી છે, મારા માટે મેં એને સૂકો મેવો મંગાવી આપવાનું કહ્યું હતું, પણ મંગાવી આપે તો ને? ગૌરી, એ ગૌરી! ઇનકે પિતા પંજાબી રહે, નામ બલદેવ પાઠક, જો કે એક ડ્રેસ મેકર થે સુપરસ્ટાર્સ રાજેશ ખન્ના ઓર દિલીપ કુમાર કે। અરે અબ તો લીડર બનુંગા ઓર ભાષણ દિયા કરુંગા। ભાઈઓ ઓર બહેનો, જિસ દિન એક મજદૂર કામ પે નહીં જાતા, ઉસકે ઘર પર ચૂલા નહીં બલકે ઉસકા પેટ જલતા હૈ। भारतवासियों, अपनी आंखें खोल लो और पानी से भर लो और देखो अपनी चारों तरफ फैली हुई गरीबी और मुफलिसी को। देखो हमारे देश की जनता कितनी दुखी है, कितनी बेबस है। इसलिए हमें लड़ना होगा, हर गरीब को अमीर बनाना होगा और हर अमीर को गरीब। इनकी एक बड़ी बहन है, नाम है उनका रत्ना पाठक, जो कि खुद एक थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म एक्टर हैं। सुप्रिया पाठक का पालन पोषण हुआ मुंबई के दादर इलाके की पारसी कॉलोनी में। इन्होंने जेबी वाचा हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की और फिर बैचलर्स डिग्री ली फाइन आर्ट्स में। भरतनाट्यम में इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया नालंदा डांस रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। बचपन से ही इनका लगाव थिएटर से था और अक्सर बड़े बड़े थिएटरिस्ट इनके घर पे आया जाया करते थे, तो ये भी उतर गई रंगमंच पर। और एक दिन लेजेंडरी शशि कपूर की बीवी, जो कि खुद एक जबरदस्त अभिनेत्री थी जिनका नाम है जेनिफर किंडल, उन्होंने सुप्रिया पाठक की परफॉर्मेंस देखी और कहा, क्यों नहीं तुम मेरे पति शशि कपूर से आके मिलती हो? श्याम बेनेगल एक फिल्म बना रहे हैं मेरे पति के लिए और हो सकता है तुम्हें कोई किरदार मिल जाए। और इस तरह से फिल्म कलयुग में सुप्रिया पाठक को अनंतनाग के ऑपोजिट कास्ट किया गया। ये बात भी हैरान करती है कि सुप्रिया पाठक की आवाज बड़ी दमदार है और शुरू से ही बड़ी दमदार रही, लेकिन इनका सपना टूटा इनकी आवाज की वजह से ही। ये वो वक्त था जब बहुत सारे युवा ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी आवाज के जरिए कार्यक्रम पेश करना चाहते थे, रेडियो आर्टिस्ट बनना चाहते थे। सुप्रिया पाठक की आवाज ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दी। पर फिल्म कलयुग के बाद इन्हें अप्रोच किया गया और कहा गया कि आओ और रेडियो पर कार्यक्रम पेश करो, पर तब तक फिल्मों ने सुप्रिया पाठक को कैद कर लिया था और इनके पास समय ही नहीं था। रंगमंच पर यह अपनी माँ के डायरेक्शन में काम किया करती थीं। नाटक था मैना गुर्जरी और फिर दिनेश ठाकुर का एक नाटक था बीवियों का मदरसा, जिसे दरअसल एक फ्रेंच नाटककार मोलियर ने लिखा था। फिल्म कलयुग में इन्होंने सुभद्रा का किरदार इतना अच्छा निभाया था कि इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में। और उसके बाद 1982 की फिल्म विजेता, बाजार और मासूम में इन्होंने कमाल ही कर दिया। टेलीविजन पर भी इन्होंने बहुत जबरदस्त भूमिकाएं निभाई, चाहे वो सीरियल्स रहे इधर उधर, एक महल हो सपनों का या फिर खिचड़ी। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि सुप्रिया पाठक की शादी हुई थी इनकी माँ के एक करीबी मित्र के बेटे से, पर वो शादी ज्यादा दिन चली नहीं और तब इनकी उम्र भी मात्र 22 बरस थी। और सन 1986 में इनकी मुलाकात हुई जबरदस्त एक्टर पंकज कपूर से। फिल्म मेकर सागर सरहदी एक फिल्म बना रहे थे, नाम था अगला मौसम। हालांकि वो फिल्म तो कभी रिलीज नहीं हुई, पर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। पंकज कपूर का भी तलाक हुआ था, उनकी पहली बीवी थी नीलिमा अजीम, जिनसे इनका बेटा शाहिद कपूर पैदा हुआ। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। 1988 में सुप्रिया पाठक और पंकज कपूर ने शादी की और इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटी ने फिल्म शानदार से फिल्मों में शुरुआत की। इनकी बड़ी बहन रत्ना पाठक ने शादी की नसीरुद्दीन शाह से। इस तरह से नसीर इनके जीजा हुए और पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह साडू भाई।
एक्टर्स इमाद शाह और विवान शाह इनके भांजे हैं। सुप्रिया पाठक उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से हैं जो हर तरह का किरदार निभा लेती हैं। फिल्म सरकार को कौन भूल सकता है और गोलियों की रासलीला, रामलीला में भी इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। यकीनन सुप्रिया पाठक उन अभिनेत्रियों में से हैं जिनके लिए हर किरदार निभाना बड़ा ही आसान है। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।